यार घर में इतना सारा अटाला कहाँ से आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो मैंने ही कलेक्ट कर रहा था, ये सोच के कि इसका कहीं ना कहीं मैं रीयूज़ करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है कि मैं इन टीन के बॉक्सेस का रीयूज़ करने वाली हूँ। इसका जो मटेरियल है ये बहुत ही सॉलिड है, तो सोच रही हूँ इसका कुछ इस तरीके से यूज़ करूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। हेलो एवरीवन, जय जिनेंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीआरएस क्रिएटिव यूनिवर्स। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा डीआईवाई प्लांटर, और इसी के साथ साथ मेरा सेकंड चैलेंज भी यहाँ पर कंप्लीट होता है जो मुझे व्यूअर्स की साइड से मिला था। तो जिसने मुझे ये चैलेंज दिया था उनका यूट्यूब हैंडलर नेम है मैसी ब्यूटीफुल लाइफ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने मुझे ये चैलेंज दिया। तो इनका चैलेंज था कि मुझे एक पिंक कलर का प्लांटर बनाना है। मटेरियल यहाँ पर मेंशन नहीं था इसलिए मैंने अपने हिसाब से मटेरियल चूज़ किया है, लेकिन मैंने पिंक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांटर यहाँ पर बनाया है। तो जल्दी से मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस प्लांटर को बनाया है। सो प्लांटर्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक टीन का बॉक्स, जिसे मैं सबसे पहले वाइट कलर के एक्रेलिक कलर से कोट कर दूंगी। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर पूरे टीन के बॉक्स पर पेंट कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसे सिंगल पेंट नहीं करूंगी, सिंगल कोटिंग नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर दो कोट करूंगी क्योंकि एक कोट में ये इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर दो कोट किए हैं। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ करूँगी इसे पेंट करने के लिए। थोड़ा सा वाइट कलर भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इसे शेडिंग देने के लिए। मैं यहाँ पर सिंपल सी फ्री हैंड पेंटिंग करने वाली हूँ। छोटे छोटे से मैं यहाँ पर फ्लावर्स बनाऊँगी, और ये फ्री हैंड पेंटिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें है ना किसी भी तरीके का मेज़रमेंट नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से पेंटिंग करो वो कभी ख़राब नहीं दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पर फ्लावर्स बना रही हूँ, तो फ्लावर्स तो कैसे भी हो सकते हैं, उनका कोई साइज़ एंड शेप नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी फ्री हैंड पेंटिंग करते जाऊँगी, और देखो मैंने यहाँ पर पूरे टीन के बॉक्स पे छोटे छोटे से फ्लावर बना दिए हैं। अब ये फ्लावर्स अभी इतने नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही जो बीच में फ्लावर का पॉइंट होता है उसे थोड़ा हाईलाइट करूँगी, और बीच बीच में मैंने येलो कलर का यहाँ पर यूज़ किया है इन फ्लावर्स को हाईलाइट करने के लिए। तो जितने भी फ्लावर्स यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ सब जगह पर मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी पॉइंट करने के लिए। सो फाइनली यहाँ पर मेरा ये टास्क कंप्लीट हुआ। ऊपर वाला जो हिस्सा है जो टीन का, वहाँ पर मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी सिंपली इसे हाईलाइट करने के लिए, नथिंग एल्स। और फाइनली यहाँ पर मेरी पूरी पेंटिंग डन हो जाती है। जैसे ही कलर्स ड्राई हो जाएंगे वहाँ पर मैं वॉर्निश अप्लाई करूँगी। वॉर्निश अप्लाई करने से इसमें शाइन भी रहेगी। आई होप आपको मेरा ये प्लांटर पसंद आया होगा, एंड वन मोर डीआईवाई आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। अगर आपने मेरे प्रीवियस कुछ शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीस पर अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स की है, कहीं पर मैंने वर्ली आर्ट किया है तो कहीं पर मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ सोच समझ के यहाँ पर पेंटिंग नहीं की थी। ये जितने भी कार्डबोर्ड के पीस थे ऐसे ही वेस्ट जा रहे थे, तो सोचा इस पर कुछ पेंटिंग कर दूँ। लेकिन अब जब पेंटिंग की है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही है मुझे, तो सोचा कि क्यों ना मैं इसे एज अ फ्रिज मैगनेट यूज़ करूँ। लेकिन फ्रिज मैगनेट के हिसाब से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए सोचा कुछ इसका डिफरेंट एंड यूनिक तरीके से यूज़ करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एज ए टी कोस्टर यूज़ करूं, लेकिन अगर टी कप्स के नीचे मैं इसे रखती हूं तो सारी पेंटिंग्स ख़राब हो जाएगी, और टी कप्स के ऊपर मैं इसे एज ए लीड रखती हूं तो कार्डबोर्ड का होने के कारण ये मॉइस्चर लगने से ख़राब हो जाएगा। तो ये आइडिया भी मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फाइनली बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं इसका यूज़ एज अ मिनी डेकोर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर इसके बैक साइड पे मैंने सब जगह पर बटन मैग्नेट्स लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसे एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर मैग्नेट्स क्यों लगाए हैं। तो मैं इन सारे कार्डबोर्ड्स को मिनी डेकोर की तरह यूज़ करने वाली हूँ, बट अपनी वॉल के लिए नहीं, अपनी अलमीरा के लिए जो कि आयरन की है, इसलिए मैंने यहाँ पर बटन मैग्नेट्स का यूज़ किया है ताकि मैं इसे किसी भी तरीके से अरेंज कर सकूँ। चाहे तो इस तरीके से इसे मैं हॉरिजेंटली अरेंज कर सकती हूँ,
या फिर अगर मेरा मन करे तो मैं इसे एज अ वर्टिकली ऑर्डर में भी अरेंज कर सकती हूँ, स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकती हूँ, ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर सकती हूँ, जैसे चाहे वैसे मैं इन कार्डबोर्ड्स को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर बटन मैग्नेट्स का यूज़ किया है ताकि किसी भी तरीके से मैं इसे अपनी अलमीरा पर फिट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।